दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फोनपे अकाउंट बना सकते हैं 2021 में। दोस्तों फोनपे अकाउंट बनाना इसलिए और भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि दोस्तों फोनपे एप्लीकेशन से बहुत सारे कैशबैक मिलते हैं। जैसे कि जब भी आप कोई पेमेंट करते होंगे, कुछ भी चीज़ परचेज करके आप पेमेंट करते होंगे, या फिर दोस्तों आप जो बिल इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करते होंगे, कुछ भी पेमेंट करते, तो आपको बहुत सारे कैशबैक देखने को मिलते हैं फोनपे एप्लीकेशन में। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। दोस्तों मैंने कल एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप गूगल पे अकाउंट कैसे बना सकते हैं। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको जानना है तो वीडियो के साथ बने रहिए, आपको वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको देख सकते रेड कलर का एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। साइड में आपको एक नोटिफिकेशन बेल दिख रही है, इस पर क्लिक करके ऑल सेट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगती है तो यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बीचों बीच आपको एक शेयर का बटन मिलेगा, इस वीडियो यहाँ उस बटन पे क्लिक करके अपने फ्रेंड्स के पास, फैमिली मेंबर्स के पास इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा आपको प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसका सोल्यूशन, उसका रिप्लाई आपको 100% देने वाला हूँ। दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे जो है आप 2021 में फोनपे एप्लीकेशन में अकाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से फोनपे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। जी हाँ, ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है प्रोसीड टू लॉग इन, यहाँ पे जो मैंने पहले से लॉग इन करके रखा हुआ था एक नंबर से, इसलिए मेरा नंबर यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप कोई दूसरा नंबर से लॉग इन करना चाहें तो नीचे आप जो यूज ए डिफरेंट नंबर पे क्लिक करके आप जो है दूसरे नंबर से भी यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। दोस्तों मुझे जो है इसी नंबर से लॉगिन करना, तो मैं सिंपल से यहाँ पे प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा। आपको करना तो आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आपको जो है अपना पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा। जी हाँ, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 4 डिजिट का आपका जो पासवर्ड होगा उस पासवर्ड को आपको डालना है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पे लिखा हुआ चुका है लॉगिन विथ ओटीपी। जी हाँ, आप दोस्तों यहाँ पे ओटीपी के थ्रू भी इसमें लॉगिन हो सकते हैं। दोस्तों मुझे पासवर्ड याद नहीं है तो मैं लॉगिन विथ ओटीपी पे मैं क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मोबाइल नंबर है आपके फोन में लगा होना चाहिए। जी हाँ, जैसे कि देखते हैं ऑटोमेटिक ये ओटीपी यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। और यहाँ पे मैं जो है अपने फोन पे एप्लीकेशन में साइन अप हो चुका हूँ, यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा जब आप फर्स्ट टाइम इसमें यहाँ पे लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पे जो सबसे पहला काम है दोस्तों, आपको इसमें केवाईसी करना पड़ेगा। जी हाँ, तो केवाईसी करने के लिए दोस्तों आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। सिंपल सा आपको अपने पैन कार्ड का डिटेल फिल करना है और डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों 1 से 2 मिनट के अंदर आपका जो केवाईसी है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो केवाईसी कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए दोस्तों आपको कॉर्नर पे सिंपल सा ऊपर में क्लिक करना है। अब जैसे ऊपर में क्लिक करते हैं दोस्तों, आपको नीचे आना है और यहाँ पे दोस्तों ऊपर पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दिखेगा, आपका नाम दिख जाएगा, फिर दोस्तों आपका यहाँ पे क्यू आर कोड दिखेगा, भीम यू पी आई आई डी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, उसके बाद आपको नीचे करना है। नीचे करने के बाद यहाँ पे आपको जो है केवाईसी आपका देखने को मिल जाता है। दोस्तों मैंने पहले से इस जो है यहाँ पे फोनपे एप्लीकेशन में केवाईसी करके रखा हुआ है, इसलिए मेरा यहाँ पे जैसे टिक लगा हुआ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपल से 1 से 2 मिनट लगेगा, आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है, आपका अपना नंबर नाम लिखना है और यहाँ पे आपका जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे केवाईसी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप यूपीआई आईडी बनाना चाहें तो आप यहाँ से बना सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, देख सकते हैं यहाँ पे मेरा यूपीआई आईडी आपको दिख रहा है। अगर आप नया बनाना चाहें तो आप नीचे में आप एड न्यू यूपीआई आईडी पे क्लिक करके आप न्यू भी यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों मैं अपने होम स्क्रीन में जाता हूँ, फोनपे के होम स्क्रीन में, और यहाँ पे मैं सबसे पहले आप जो काम रह गया दोस्तों आपका बैंक अकाउंट लिंक करने को हो गया। जी हाँ, अब यहां से सबसे पहले तो आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए दोस्तों यहां पे देखते हैं आपको चेक बैंक बैलेंस पे क्लिक करना है, आपको कॉर्नर पे दिख रहा होगा। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहां पे लिखा हुआ आ चुका है एड बैंक अकाउंट। जी हां, तो आपको सिंपल सा उस पर क्लिक करना है। यहां पे जितना सारे पॉपुलर बैंक होंगे आपको दिख जाएंगे, जो भी आपका होगा आप ऊपर में सर्च कर सकते हैं। मैं यहां पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लिंक करूंगा दोस्तों, तो मैंने सर्च किया। अब यहां पे जो भी आपका नंबर जो भी सिम में लगा हुआ है उसको सिलेक्ट करना है, फिर दोस्तों ऑटोमेटिक ओटीपी आएगा और ओटीपी आने के बाद ये वेरीफाई हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है आपका जो नंबर है दोस्तों वो फोन में लगा होना चाहिए, तभी ओटीपी आएगा और ऑटोमेटिक वेरीफाई होगा। तो यहाँ पे मेरा लगा हुआ था दोस्तों, देखिए यहाँ पे ओटीपी आ चुका है और ऑटोमेटिक यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे फाइंडिंग अकाउंट लिंक्ड विथ है मेरा नंबर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिंक होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे देख सकते ये लिंक हो चुका है। अब मेरा जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का डिटेल्स है आपको ऊपर में दिख रहा होगा, मैंने उसको ब्लर कर दिया है। और दोस्तों नीचे आपको जो है यहाँ पे आप देख सकते यूपीआई आईडी, अगर यूपीआई आईडी जो आपका है इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और नीचे प्रोसीड टू एड पे आपको
सिंपल सा क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं पूरा यहाँ पे डिटेल यहाँ पे पूरा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको पिन रीसेट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर दोस्तों आप नहीं चाहते तो आप पहले जो पिन सेट किए हुए होंगे गूगल में, गूगल पे में या फिर यहाँ पे पेटीएम में, वही काम करेगा। अगर आप चाहते हैं मैं आप यहाँ पे चेंज कर दूँ तो आप रीसेट पिन पे क्लिक करके आप यहाँ पे पिन भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों मैं चेंज नहीं करूँगा, मैं वही पिन रखूँगा पुराना वाला ही। अगर आपको चेंज करना तो कर सकते हैं, उसके बाद सिंपल सा आपको डन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही डन पे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपका जो अकाउंट है आपके फ़ोनपे में यहाँ पे ऐड हो चुका है, लिंक हो चुका है। और यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक और वैलेट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका जो कैशबैक आपको मिलेंगे फ़ोनपे एप्लीकेशन में वो आपको यहाँ पे वैलेट में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ, यहाँ पे मेरा अकाउंट लिंक हो चुका है। अब किसी को आपको मनी ट्रांसफर करने के लिए दोस्तों यहाँ पे तीन आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो पहला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है टू मोबाइल नंबर। जी हाँ, आप डायरेक्टली किसी को मोबाइल नंबर से मनी ट्रांसफर करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो आप जिसके पास भी मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं उसके मोबाइल नंबर पर दोस्तों ये फ़ोनपे जो है बना हो तभी जो है आप उसके फ़ोन नंबर पर जो है मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मनी ट्रांसफर करने के लिए आपको उस पर क्लिक करना है, आपको जिसके पास भी ट्रांसफर करना है सिंपल सा उसका नंबर यहां पे आप सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां से अगर मान के चलिए मुझे मेरे दोस्त के पास जो है पैसा ट्रांसफर करना है तो मैं उसका नंबर यहां पे सर्च करूंगा और सर्च करने के बाद यहाँ पे आप कितना रुपया उसको सेंड करना चाहिए आप इसको मैसेज भी कर सकते हैं पहले हाय हेलो, उसके बाद आप जितना रुपया भी इसको सेंड करना चाहिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि सेंड वन रुपीज सबसे पहले आप देखना चाहिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है, भीम यूपीआई जो आपको पिन होगा उस पिन को डालना है और पिन डालने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। ये दो था दोस्तों मोबाइल नंबर से, सेकेंड ऑप्शन है बैंक अकाउंट। जी हाँ, अगर आप डायरेक्टली किसी के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस पर क्लिक करके नीचे आपको जैसे लिखा हो चुका है एड बैंक अकाउंट। जी हाँ, आपको जिसके पास भी पैसा ट्रांसफर करना है सिंपल सा उसके बैंक अकाउंट का डिटेल आपको यहां पे फिल करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहां पे आपको उसका बैंक अकाउंट सेलेक्ट यहां पे सर्च करना है और सर्च करने के बाद उसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, उसका नाम आपको डालना है और आप उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे आपको एक यूपीआई आईडी भी दिखता है, अगर आप यूपीआई आईडी के थ्रू पैसा ट्रांसफर करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको बेनिफिशियरी यूपीआई आईडी आपको यहां पे डालना है और वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद जिसका भी वो यूपीआई आईडी होगा उसका नाम आपको शो करेगा, उसके बाद जितना रुपया आपको उसको सेंड करना है सिंपल सा उसको टाइप करना है, आपका पिन टाइप करना है जो कि आपने सेट करके रखा हुआ होगा। तो उस पिन को टाइप जैसे ही आप करते हैं आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुल ट्रांसफर हो जाएगा। दोस्तों ये था दूसरा ट्रिक। और जो तीसरा तरीका है टू सेल्फ अकाउंट। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आपके जो फोन पे में जो पैसे हैं उस पैसे को आप अपने दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को इसमें लिंक किया। अगर दोस्तों मान के चलिए मेरा जो अकाउंट है वो बैंक ऑफ इंडिया में भी है तो मैं अपने बैंक ऑफ इंडिया के खाते में भी अपना जो पैसा ट्रांसफर कर सकता हूं। तो इसके लिए आपको ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करके यहां पे जो भी अकाउंट आपका होगा आपको लिंक करना है और यहां से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों ये तीन तरीके से हैं जिसके मदद से आप जो है पैसे किसी को भी भेज सकते हैं। उसके बाद नीचे आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, यहां पे आपको मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन दिख जाता है दोस्तों। फिर आपको डीटीएच का भी यहां पे ऑप्शन दिख जाता है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ढेरों सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं, बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जो भी इंश्योरेंस आपको करवाना है आप यहाँ से कर सकते हैं। ये तो सेकेंडरी चीज हो गया, अगर आपको करवाना है तो आप करवा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इतना सब कुछ आप जो है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ चुका है माई यूपीआई आईडी। जी हाँ, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो यूपीआई आईडी होगा, आपका QR कोड होगा वो आपको यहां पे देखने को मिलेगा जैसे कि आप देख सकते हैं। और आपका जो भी अकाउंट यहां पे लिंक होगा उस अकाउंट का आपको यहां पे अकाउंट डिटेल्स भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों बैलेंस चेक करने के लिए आपको अकाउंट बैलेंस चेक पे क्लिक करना है, यहां पे अपने बैंक को सिलेक्ट करना है, अपना पिन डालना है और पिन डालने के बाद यहां पे जो आपका बैलेंस होगा आपको इस तरह से आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप हिस्ट्री चेक करना चाहें कि आप किसको पैसा ट्रांसफर किए, आपको किसने किसने पैसा ट्रांसफर किया, आपने कहां कहां मोबाइल रिचार्ज किया, सब यहां पे आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से आप यहां पे चेक कर सकते हैं और इस तरह से सभी आपको यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीका है। तो दोस्तों इस तरह से आप फोन पे अकाउंट बना सकते हैं और ये जो ये एप्लीकेशन है दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे जो है आप 2021 में फोन पे एप्लीकेशन में अकाउंट बना सकते हैं और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत ही आसानी में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास जरूर से शेयर कर दीजिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर से प्रेस कर लेना है। और दोस्तों आपको इंस्टाग्राम का आईडी भी नीचे लिखा हुआ मिल जाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूं कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।